6. How are you all? Welcome back in SST class. Dear students, as we in our previous lecture, we have started our topic geographical terms of the earth, and I told you about mountains, hills and plateaus. And today we are going to talk about plains, deserts and lakes. So let's start. Plains. This is the picture of plains. What are plains? A plain is a flat area on earth's surface. A plain is a flat area on earth's surface equal to sea level. प्लेन वो फ्लैट एरिया है ज़मीन के सरफेस का जो इक्वल है सी लेवल के. किसके इक्वल है? सी लेवल के बिल्कुल बराबर है. प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग. प्लेन्स इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए. यहाँ ये एक फर्टाइल एरिया है ज़मीन का जहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं. प्लेन की एग्जांपल है वेल ऑफ पिशावर. द एग्जांपल ऑफ प्लेन इज वेल ऑफ पिशावर. Now deserts. What are deserts? Deserts are hot part of land with high average temperature and little rainfall. Desert ज़मीन का वो हिस्सा है जो बहुत गर्म होता है, जहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा होता है और जो बारिश है वो बहुत कम होती है. Deserts की जो दिन है वो गर्म रहते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं. जैसे कि डेजर्ट्स एक खुला मैदान होता है जहाँ पे सैंड होती है, जो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट डेजर्ट्स पे जो दिन में पड़ते हैं, इस वजह से सैंड हो जाती है गर्म और जो दिन होता है वो गर्म रहता है. और जबकि रात में सूरज नहीं होता, सैंड की वजह से रातें ठंडी रहती हैं. लिटिल रेनफॉल, बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, या ऐसा कह दें कि कभी कभी सालों तक बारिश नहीं होती. There are so many deserts like Sahara Desert, Thar Desert and Thal Desert. There are also cold deserts called tundra where the climate is too cold for vegetation. These can be found on high mountain tops or in polar regions. Cold deserts. ठंडे जो deserts हैं हम इसे क्या बोलते हैं? Tundra. यहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेट जो होती है वो कोल्ड होती है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकती. और ये कहाँ पे मिलते हैं? पोलर रीजन्स, जो हमारे आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन्स हैं वहाँ पे टंड्रा में होते हैं. प्लांट्स के नॉट ग्रो बिकॉज द वेदर इज सो कोल्ड. वेदर जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इस वजह से प्लांट्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते. अगर ग्रो होती है प्लांट्स की, ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो अबाउट 2 to 3 months, 2 से 3 महीने के लिए होते हैं. ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है, तो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं. डेजर्ट्स एनिमल, जो डेजर्ट्स में एनिमल पाए जाते हैं वो है कैमल, लायन, ऑस्ट्रिच, लिजर्ड्स, सैंड कैट, फॉक्स, ईगल. Deserts plants like cactus, babool, palm, fish hawks, because these plants require little water. ये जो सारे plants है इनके लिए जो requirement होती है पानी की वो ज़्यादा कम होती है, इस वजह से ये deserts में पाए जाते हैं. Now lakes. What are lakes? A lake is a water that is completely surrounded by land. A lake is a water that is completely surrounded by land. In other words, natural water bodies surrounded by the land are called lakes. The water of lake does not move. Look at this picture. You can see that water is not moving in this picture. It means this is the picture of a lake. Lake animals. Like fish, turtles, frog, marsh birds, alligators, snakes and many types of insects live in lakes. Lake में कौन से जानवर रहते हैं? जैसे fish, turtle, frog और insects हो गए बहुत सारे, जैसे बहुत किस्म के जो insects होते हैं वो रहते हैं lakes में. Now, lake plants like algae. This is the picture of algae plant.
कहाँ पे होते हैं ये एल्जी प्लांट्स? लेक में, वाटर लिली एंड सो मैनी। नाउ योर होमवर्क इज राइट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड राइट नेम्स ऑफ लेक एनिमल्स एंड प्लांट्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।